आज के इस वीडियो में हम क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में जानेंगे आइए देखते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन द सोल्यूशन यहाँ पर पहली चीज़ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसे कहते हैं याद रखें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर रेशियो है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का यानी कि जब आप किसी प्योर सॉल्वेंट, जो कि वॉलेटाइल है उसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो उस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है इसे समझने के लिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं जैसे कि आप जानते हैं कि सोबत का असर इंसान के ऊपर बहुत होता है मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ कीजिए कि एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर सारे बच्चे अच्छा पढ़ने वाले और स्कूल मैनेजमेंट ने चंद ऐसे बच्चों को उस क्लास में दाखिला दिया है जो कि पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं रखते जाहिर सी बात है आप जानते हैं जब कोई अच्छा पढ़ने वाला बच्चा ना पढ़ने वाले बच्चे के साथ बैठे तो उसके परफॉर्मेंस में कमी आ जाती कुछ दिन बाद जब आप पूरे क्लास के ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो क्लास के ओवरऑल परफॉर्मेंस में कमी हो जाएगी इसकी वजह ये है कि ना पढ़ने वाले बच्चे पढ़ने वाले बच्चों के साथ बैठने की वजह से पढ़ने वाले बच्चों की भी परफॉर्मेंस में कमी आ गई ठीक उसी तरह जब किसी वॉलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड किया जाता है तो उस वॉलेटाइल सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाता है यहाँ पर इसी चीज़ को लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से बताया गया है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पी ए नॉट माइनस पी ए है पी ए नॉट वेपर प्रेजर ऑफ़ प्योर सॉलवेंट है और पी ए वेपर प्रेजर ऑफ सोल्यूशन जब आप प्योर सॉलवेंट के वेपर प्रेजर में से वेपर प्रेजर ऑफ़ सोल्यूशन निकाल दें तो कितना वेपर प्रेजर कम हुआ ये हमें मालूम होता है जब उसी चीज़ को वेपर प्रेजर ऑफ़ प्योर सॉलवेंट से डिवाइड करें तो हमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेजर आता याद रखें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सोल्यूशन के अंदर पाए जाने वाले नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन। इसी चीज़ को अगर मैथमेटिकली देखें तो पी ए नॉट माइनस पी ए बाई पी ए इज़ इक्वल टू एक्स बी होता है ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है और एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है आप ये भी जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ ऑल द कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन को कहते हैं जब इसी चीज़ को आप इस फार्मूले में सब्सटीट्यूट करते हैं यानी कि मोल फ्रैक्शन के वैल्यू को इस फार्मूले में सब्सटीट्यूट करते हैं तो आपको पी ए नाट माइनस पी ए बाई पी ए नॉट इज़ इक्वल टू एन बी बाई एन ए प्लस एन बी आता है यहाँ पर एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है और एन ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है याद रखें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम डिटरमाइन करने के लिए ऑस्टवॉल और वाकर्स मेथड का सहारा लेते हैं अब इस इक्वेशन के अंदर फर्ज करें कि नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सोल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट से कंपेयर करने पर बहुत कम है यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट से बहुत कम है तो आप नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को नग्लिजिबल कर सकते हैं याद रखें ये जो आप नेगलेक्ट करेंगे ये डिनोमिनेटर में करेंगे न्यूमरेटर में नहीं करेंगे क्योंकि न्यूमरेटर के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सोल्यूट है अगर आप उसी को निगलैक्ट कर दें तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी तो जब आप एन की वैल्यू को डिनोमिनेटर में इग्नोर करेंगे तो आपको पी ए नॉट माइनस पी ए बाई पी ए नॉट इज इक्वल टू एन बी बाई एन ए आएगा और आपको मालूम है एन बी या फिर एन ए के माने नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सोल्यूट और नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और आपको इसका फार्मूला मालूम है नंबर ऑफ मोल्स इज ईक्ल टू वेट बाई मोलिकुलर वेट चाहे वो सोल्यूट का हो या फिर सॉल्वेंट का हो जब आप सोल्यूट और सॉल्वेंट के वेट और मॉलिकुलर वेट को इस फार्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको पी ए नॉट माइनस पी ए बाई पी ए नॉट इज़ इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू एम ए बाई डब्ल्यू ए आएगा जब इसी फार्मूले को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको फाइनल इक्वेशन इस तरीके का आएगा एम बी इज ईक्ल टू डब्ल्यू बी बाई डब्ल्यू ए इंटू एम ए इंटू पी ए नॉट बाई पी ए नाट माइनस पी ए यहाँ पर डब्ल्यू बी मास ऑफ सोल्यूट है डब्ल्यू ए मास ऑफ़ सॉल्वेंट है एम बी मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट है एम ए मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट है पी ए नॉट वेपर प्रेजर ऑफ़ प्योर सॉल्वेंट है और पी ए वेपर प्रेजर ऑफ सोल्यूशन है इस फार्मूले को आप किसी भी सोल्यूशन में पाए जाने वाले अननोन सोल्यूट के मॉलिकुलर वेट को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेजर ऑफ सोल्यूशन की वैल्यू हमेशा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर होती है बशर्ते के सोल्यूट नॉन वॉलेटाइल हो और सॉल्वेंट वॉलेटाइल हो ये था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आने वाले वीडियो के अंदर हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट के बारे में पढ़ेंगे